आजाद ग्राम, एक नया गांव। दास्ता से मुक्ति के लिए संघर्ष के इतिहास को अपने में समेटे हुए, अपने होने और जीवन के प्रति आकांक्षा को महसूस करने का सुख क्या होता है, आज कोई इनसे पूछे। मेरे पिताजी गुलाम थे, उसी को बंधुआ मजदूर थे। मेरा गांव के सब उन्हीं लोग का, उन्हीं को हम लोग काम करते थे, महंत के काम, बोध गया महंत के। अपना नाम करके ज़मीन कुछ नहीं था, उन्हीं की ज़मीन में निवास करते थे, उन्हीं का ऑर्डर पर चलते थे, उन्हीं को हर बातें चलता था। यहाँ हम लोग का कुछ अपना नाम, अपना चीज़ नहीं, नाम करके था, कुछ नहीं। ऐसे दौर में जब भूमि से जुड़े आंदोलन हिंसा और प्रतिहिंसा का शिकार हो चुके थे, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले बिहार आंदोलन से प्रेरित बोधगया मठ के खिलाफ 9 साल लंबे चले आंदोलन ने वैकल्पिक रास्ता दिखाया। यह रास्ता था शांतिमय भूमि मुक्ति सत्याग्रह का। बोधगया का भूमि संघर्ष बिहार के सबसे बड़े भूपति शंकराचार्य मठ के खिलाफ हुआ, जिसके पास 9700 एकड़ जमीन का अवैध कब्जा था। यह कब्जा मात्र भूमि के माध्यम से इस क्षेत्र में रहने वाले करीब 2000 परिवारों पर आर्थिक दबाव के रूप में ही नहीं था, बल्कि उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना पर भी नियंत्रण का माध्यम था। तो शंकराचार्य मठ अकेले इस इलाके में 22 कचहरियों के माध्यम से बिहार सरकार के मुकाबले एक सरकार के रूप में लोगों के बीच में स्थापित था, और वह भी जुल्मी सरकार के रूप में। यहाँ के लोग बोधगया शंकराचार्य मठ को सरकार कहते थे और बिहार सरकार को बिहार सरकार कहते थे। जिसका संघर्ष उसका नेतृत्व, इस नारे के साथ भूमि का संघर्ष लोगों के जीवन के संघर्ष से जुड़ते हुए उनकी प्रगतिशील आकांक्षाओं का प्रतीक बना। उस घड़ी एकजुट बनाने के देखने के लगता था कि महंत को जमीन गेहूँ काटने में 5 मिनट नहीं लगा, 10 एकड़ जमीन में इतना बदलाव आया था। बिहार में भूमि का संघर्ष भूमि मालिकों और भूमि संघर्ष करने वाले लोगों द्वारा फसल काटने के गतिरोध में फंसा हुआ था, और भूमि संघर्ष करने वाले लोग फसल चोर कहे जाते थे। बोधगया भूमि संघर्ष ने इस धारणा को बदला और मठ के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत फसल काटने से नहीं, बल्कि फसल लगाने से रोकने से हुई। अंततः 1979 में इस अभियान की जीत हुई, जब सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों के इस तर्क को माना कि हमारे बाप दादाओं ने जंगल की जमीन को खेती योग्य बनाया है, इस नाते जमीन का पुनर्वितरण होना चाहिए। मठ छोड़ो, जल्दी भागो, भागो भागो जल्दी भागो के नारे में रची बसी जनता के व्यापक शांतिमय प्रतिकार से मठ की 22 कचहरियों की सत्ता ढह गई। जमीन के मालिक बनने से उसका एक अरमान पैदा हुआ कि हम भी जमीन के मालिक हैं। ये एक अरमान पैदा हुआ तो एक विश्वास हुआ कि हमको भी एक आर्थिक उपार्जन करना है। और बहुत लोग तो जो बात का अच्छे ढंग से समझ के लिया है, वो तो उससे उपार्जन करके अच्छा परिवार के जीवन गुजर बसर कर लेता है। पहले की गरीबी और आज की गरीबी में गुणात्मक अंतर है। पहले की गरीबी जो है दारिद्रता का अंतिम स्तर था, आज की गरीबी में निराशा की बात नहीं है, आज की गरीबी में समाज से मुकाबला करने का मादा है। तो भूमि अधिकार लोगों के अस्तित्व का अधिकार प्रदान करता है, उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ पूंजी प्रदान करता है, कुछ संसाधन प्रदान करता है, और उनके उद्यमशीलता का, आम आदमी की उद्यमशीलता के लिए अवसर मिलता है। अंततः भूमि का संघर्ष लोगों के जीवन का संघर्ष है। इस संघर्ष में लोगों ने जातिवादी सीमाओं को अपना आधार नहीं बनाया, बल्कि भूमिहीनता, दमन और शोषण को आधार बनाया। शंकराचार्य जैसे बड़े मठ से भूमि की लड़ाई जीतने के बाद अब संगठन देश के सबसे बड़े भूपति वन विभाग से वनाधिकार कानून के तहत जमीन पर हक की मांग कर रहा है। चुनौतियां अब भी हैं,
पर उनसे जूझने का हौसला बरकरार है। कहा तो राया।